बिना धूप मार्केट की तरह आम का अचार बनाएंगे, जिसे बनाने के बाद आप 5 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होता। स्वागत है आपका इंडियन फूड सतोसा में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 3 किलो आम को 1 घंटा पहले पानी में भिंगो कर रख दिया था ताकि इसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाए। आम बिल्कुल कड़क होना चाहिए, इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। और अचार बनाने के लिए आम ताज़ा होना चाहिए। अब हम पानी में से निकाल कर सूती कपड़े से इसे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद काला वाला डंठल काट करके हटा देंगे पूरी तरह से, यानी कि चोपी वाले भाग को हटा देना है, और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ हमने सरौता का प्रयोग किया हुआ है। अगर चाकू से आप आम काट पा रहे हो तो चाकू से काट सकते हैं। आम को हम 4 टुकड़ों में काटेंगे, इससे छोटे पीस भी आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आम को काट लीजिएगा। तो मैं कुछ बड़े पीस काटूंगी और कुछ छोटे पीस काटूंगी बच्चों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, आम का जो हरा वाला भाग है इस तरीके से नीचे रखेंगे और सफेद वाला भाग ऊपर रखेंगे। आम में थोड़ा सा पुपरी टाइप का, यानी कि पतला सा पन्नी टाइप का पेपर होता है, उसे निकाल देंगे और इसे हवा में रख देंगे। अब हम गैस चलाकर पैन रखेंगे, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मेथी दाना, आंच धीमी कर देंगे, और इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच जीरा, और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज्यादा हमें लाल नहीं करना है, हल्का सा भूनना है। जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 10 से 15 काली मिर्च, और काली मिर्च को भी हल्का सा गर्म कर लेंगे। साथ में डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया। बहुत लोग अचार में धनिया नहीं डालते हैं, लेकिन आप जरूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच ये काला वाला सरसों, और इस तरीके से इसे भी हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस गर्म करना है। गैस बंद कर देंगे, मसालों को ठंडा होने देंगे, और इसी पैन में हमने 2 बड़ा कप सरसों तेल लिया हुआ है, गर्म हो जाने देंगे। जैसे धुआं उठने लगेगा गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच कलौंजी या मंगरेल लिया हुआ है, इसे डाल देंगे। तेल थोड़ा सा गर्म है, तेल गर्म में ही हल्का सा ये पक जाएगा, इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम मिक्सी जार में मसालों को डाल देंगे, और डालने के बाद इसमें हम कुछ और मसाले डालेंगे। तो यहाँ हमने 2 बड़ा चम्मच पीला वाला सरसों लिया है। आपके पास अगर काला सरसों है तो केवल काला सरसों का ही प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा ये देखने मार्केट की तरह लगेगा मसाला। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच सफेद नमक, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच काला नमक, और इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 से 2 चम्मच, और साथ में डाल देंगे ये कूटी हुई लाल मिर्च, इसकी जगह पर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 चम्मच। ये मसाले बिल्कुल मार्केट की तरह बनेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हींग, और सभी को हम एक बार दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा इसे हम दरदरा सा पीसेंगे। इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ मसाले और मिलाएंगे, डाल देंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, और साथ में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चीनी। चीनी डालने से अचार का रंग बिल्कुल हरा रहता है और अचार थोड़ा सा चटपटा बनता है, तो हमने पीसी हुई चीनी का प्रयोग किया हुआ है। सबको अच्छी तरह से मिला देंगे, और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच विनेगर। तो इस मसाले को बनाने के बाद आप स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें झिल्ली नहीं लगती है और ये कभी खराब नहीं होता है। तो ये हमने सफ़ेद सिरका का जो नॉर्मल चाउमीन में प्रयोग होता है उसका यूज़ किया है, और इसे एक बार हम अच्छी तरह से चला देंगे ताकि मसाले के साथ विनेगर अच्छी तरह से मिल जाए। अब ये देखने में थोड़ा सा आपको नमी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये नमी सूख जाएगा। और इस मसाले को बनाने के बाद आप फ्रिज में रख दीजिएगा, और मिर्च का अचार बनाना हो तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर मिला दीजिएगा, या फिर किसी भी अचार में इस मसाले को आप प्रयोग करके रख सकते हैं, कभी खराब नहीं होता। आम को रखे हुए 10 मिनट हो गया, पंखे की हवा में हमने रखा हुआ था, और आप देख सकते हैं इसके पीस थोड़े से छोटे हो गए हैं, नमी खत्म हो गई है आम पर की। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक, थोड़ा सा नमक हम किनारे रख देंगे क्योंकि अचार गलने के बाद नमक थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है, और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। सबको अच्छी तरह से नीचे से ऊपर तक चला देंगे, यानी कि मिला लेना है, और इस तरीके से नमक और हल्दी को हम झटकते हुए मिलाएंगे ना, तो बहुत ही आसानी से आम के ऊपर एक कोटिंग सा हो जाएगा नमक और हल्दी का। और मसालों को हमें इस तरीके से शीशे के कंटेनर भर करके रख देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब मसालों को स्टोर करें तो शीशे के कंटेनर में रखें। अब इसमें हम डाल देंगे मिक्सी जार में जो
बचा हुआ मसाला था उसको, और साथ में ये जो हमने मसाला स्टोर करके रखा था इसको भी डाल देंगे। थोड़ा सा मसाला हम किनारे रख देते हैं, बाद में मिलाने के बाद इसे हम डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच पिसी हुई चीनी, और साथ में डाल देंगे तेल जो हमने गरम करके रखा हुआ था, इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर घोल करके, जिससे कि अचार बिल्कुल लाल सा दिखेगा। जैसे मार्केट में अचार होता है ना, तेल बिल्कुल लाल लाल सा दिखता है, उसी तरीके का ये दिखेगा। अगर आपको कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग करना पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन बीज को हटा दीजिएगा। अब तेल को अच्छी तरह से मसालों में मिला लेंगे। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से अचार बनकर के तैयार हो जाता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इससे इसका कलर और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ा सा इसमें तिखापन आ जाता है। और यहाँ हमने 1 कप तेल को फिर से गर्म करके ठंडा कर लिया था, इसे डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिला देंगे इस तरीके से, और बचे हुए मसालों को भी डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे ना, पूरे मसालों को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े मसाले डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अचार में मसाले का प्रयोग कम करते हैं, यानी कि कम मसाले खाते हैं, तो इस हिसाब से आप मसाले डालें। और इसे हम ढककर 1 से 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे। 2 दिन हमने धूप में रखा हुआ था और अचार का कलर आप देख सकते हैं, वाव कितना अच्छा आया है। अब इस तरीके से हम मिला देंगे और आप देख सकते हैं मसाले पूरी तरह से फूल गए हैं, और ये देखिए जो अचार है इसके ऊपर एक कोटिंग सी बन गई है। तो इसमें से हम क्या करेंगे ना, 1 पीस अचार को चेक कर लेंगे, यानी कि टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अचार पकने के बाद थोड़ा सा नमक कम हो जाता है, तो इसमें 1 चम्मच नमक हम और डाल देंगे। सबसे लास्ट में हमें नमक टेस्ट करके डालना है। बहुत लोग नमक कम खाते हैं तो नमक कम भी आप डाल सकते हैं इसमें, और थोड़ा सा मसाला और डालेंगे, क्योंकि आम के ऊपर पूरी तरह से मसाले चिपके होते हैं तभी अचार खाने में अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारा आम का अचार बन करके तैयार हो गया है। यहाँ हमने साफ सूखे का शीशे का जार लिया हुआ है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि तेल गरम करके पहले जार के तल्ली में थोड़ा सा सरसों तेल भर देते हैं, उसके बाद अचार भरते हैं, लेकिन हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिससे कि अचार सूखने ना पाए। कभी कभी क्या होता है कि अचार जब ऊपर से सूखने लगता है तो खराब होने का चांस ज्यादा रहता है। और सारे तेल को इस तरीके से हिलाते डुलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर तक तेल और भर सकते हैं, लेकिन 1 दिन के लिए इसे हम धूप में और रखेंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए 1 दिन के लिए हमने धूप में रखा हुआ था और तेल पूरी तरह से ऊपर आ चुका है। मैं खोल करके दिखा रही हूँ। तो जब भी आप अचार को रखें तो ध्यान रखें कि वहां का जगह थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। गर्म जगह पर अचार को आप रखते हैं ना तो अचार खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है। और कोशिश करें कि सारे मसाले जो हैं आप घर में खुद भून करके पीस करके तैयार करें, मार्केट का मसाला बिल्कुल ना प्रयोग करें। और ये देखिए कलर देखिए और अचार देखिए हमारा बिल्कुल मार्केट की तरह दिख रहा है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।